बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बुधवार को राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात की है। दोनों नेताओं की मुलाकात को विपक्षी नेता ने अच्छा कदम बताया। वहीं बीजेपी नेता नीतीश कुमार और राहुल गांधी पर हमलावर हैं। कोई उसे ठगबंधन करार दे रहा है तो किसी को कौरवों की याद आ रही है। आइए जानते हैं किसने क्या क्या कहा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी को बधाई देते हुए नीतीश कुमार की एक तस्वीर साझा की और लिखा, और न जाने किस किस के सामने झुकेंगे नीतीश कुमार। मालवीय ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर नीतीश कुमार किसके आगे झुके हैं। वहीं बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने इसको एक बेकार गठबंधन करार दिया। उन्होंने कहा, इस मेल मिलाप ने महाभारत के कौरवों की याद दिला दी। कांग्रेस ने अच्छी कोशिश की, लेकिन उन्हें पता है कि विजेता कौन है। जबकि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2024 में बीजेपी को हराने के विपक्षी दलों के प्रयासों पर कटाक्ष किया है। उन्होंने विपक्ष के इस गठबंधन को भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी पार्टियों का ठगबंधन करार दिया। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महाठगबंधन बनता है। भ्रष्टाचार छिपता नहीं है, लोग इनकी नीतियों को जानते हैं कि ना इनके पास कोई नीतियां हैं, ना नेतृत्व है, ना ही साफ नीयत है। अब जब नीयत में ही खोट हो तो जनता कभी वोट नहीं देती। और 2014 में 2019 में बहुत प्रयास इन्होंने किए, यही ठगबंधन बना था। 2017 में 2022 में उत्तर प्रदेश में भी महाठगबंधन बना था, नहीं हो पाया कुछ। कारण, जनता जानती है कि ये जो विपक्षी दल हैं, इनका कारनामे, इन्होंने जो वायदे किए थे उससे मुकर गए और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। वही विपक्ष की बैठक पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उनमें से नीतीश कुमार सबसे प्रबल हैं, इसलिए वह मल्लिकार्जुन खड़गे की खुशामद कर रहे हैं। अकुल भारत के लोग हैं, सबके मन में प्राइम मिनिस्टर बनने का है, नीतीश कुमार उसमें प्रबल हैं, तो ये जा रहे हैं मिलने के लिए। खड़गे साहब की खुशामद कर रहे हैं, राहुल गांधी से बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला। लेकिन एक चीज जान लीजिए, नीतीश कुमार जी के वो गाना नहीं है, दिल की अरमा सुओं में बह गए, 2024 का पद खाली नहीं है और इनकी राजनीतिक दुर्गति होना अभी बाकी है। पंडित जी वाली कहावत मैंने कहा था कि पंडित जी एक खोपड़ी उठा के ले आए नदी गंगा के किनारे से, उस पर लिखा था जो होना था हुआ, जो अभी बाकी है। पंडित को लगा कि अब क्या बाकी है, घर में ले जाके रखे और बाहर निकल के शाम में लौटते हैं, देखते हैं पंडिताइन उसको पत्थर से चूर चार के ठीक कर दिया। राजनीतिक दुर्गति होना बाकी है।